जहां भी देखें आज सभी लोग मास्क लगाए घूम रहे हैं कि हमें वायरस ना हो जाए। हमें सूचना मिली है यह वायरस चाइना से शुरू हुआ है। जो चाइना के लोग हैं वो सब कुछ खा जाते हैं, चाहे वो कोई जीव पशु पक्षी कुछ भी हो, और उसका परिणाम भी हम देख ही रहे हैं। जब हम किसी पशु को मारकर खाएंगे, अब उनका बदला पशु तो हमसे नहीं ले सकते, वह ना ही बोल सकते हैं। अब उनका बदला भगवान और प्रकृति हमसे लेती है। जो यह अन्यर्थ हो रहा है उसका बदला प्रकृति हमसे लेती है। यह कोई अच्छा विकल्प नहीं है, पर किसी की जान तो जा रही है और इसका परिमाण हम भुगत रहे हैं। अगर हम किसी पशु को मारेंगे तो उसका परिमाण हमारे पास घूमकर वापस जरूर आएगा। आज जितने भी यह नॉन वेज खाने वाले हैं उनको यह सीख लेनी चाहिए कि जो कर्म का पहिया घूमकर एक दिन हमारे ऊपर ही आएगा। जैसे हम पशुओं को मारकर खा रहे हैं, एक दिन हमारा नंबर भी लगेगा और हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। अगर हम जो मांस खाते हैं उनसे पूछते हैं कि तुम मांस क्यों खाते हो, तो वह हमें एक्सक्यूज़ देता है कि अगर मैं यह ना खाऊं तो इनकी तादाद बढ़ जाएगी। यह कोई अच्छा परिमाण नहीं है। कल आप कहोगे कि इंसानों की जनसंख्या बढ़ रही है, इन्हें मारकर खाओ। भगवान ने पशुओं को मारकर खाने का अधिकार केवल जानवरों को ही दिया है, जैसे शेर। भगवान ने शेर को जन्म से ही मांसाहारी बनाया है। शेर भूखा रह सकता है लेकिन घास नहीं खाएगा, और गाय भूखी रह सकती है लेकिन मांस नहीं खाएगी। पर इंसान धन्य है, वह मांस भी खा लेता है और घास भी खा लेता है। अगर हम उसको समझाएं तो वह खोपड़ी भी खा लेता है। अगर हम उसको समझाते हैं तो वह ह्यूमन राइट्स की बात करता है। ऐसा थोड़ी होता है कि कल हम किसी को गोली मार दे और हम बोले कि हमारे पास ह्यूमन राइट्स है। हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। मानव अधिकार में अपनी रक्षा है। किसी भी पशु को मारना मानव अधिकार नहीं है। जैसे इंसानों को जीने का अपना अधिकार है, वैसे ही पशुओं का जीने का अपना अधिकार है। हमें पशुओं को नहीं मारना चाहिए, यह बहुत बड़ा पाप है। हमें इससे बचना चाहिए। हमें मांस निर्यात नहीं करना चाहिए। हमें मांस ग्रहण नहीं करना चाहिए। भगवान ने हमें इतनी अच्छी चीज़ें प्रदान की हैं। खाने के लिए फल खाइए, मिठाइयाँ खाइए, सब्जी खाइए, अच्छी चीज़ें खाइए ना। अब एक तरफ हमारी हिंदू संस्कृति यह कहती है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है, हम उसका धड़ संस्कार के लिए लेके जाते हैं और हम वापस आकर स्नान करते हैं। एक तरफ तो हम स्नान करके अपने शरीर को शुद्ध बना रहे हैं, और दूसरी तरफ मांस खाकर हम अपने पेट को शमशान बना रहे हैं। यह शमशान बनाना ही तो है। हम पशुओं को बाहर दफनाने की बजाय हम अपने पेट में दफना रहे हैं। मांसाहार में भी कुछ लोग कहते हैं कि मछली और अंडा मांसाहार नहीं है। यह क्या कोई किसी खेत में लगते हैं? किसी ग्रंथ में लिखा है कि अंडा मांसाहार नहीं है? यह क्या किसी पेड़ पे उगते हैं? अगर आप अंडे को कुछ दिनों के लिए ना खाओगे तो इसके अंदर से एक जीव निकलेगा। यह शाकाहारी कैसे हुआ? भारत में आपने गाना सुना होगा, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। यहाँ तक तो गाने ने बता दिया, पर इसके आगे गाना बताना भूल गया।
संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, ऊपर जाकर भगवान के खाओ डंडे। जब भगवान का डंडा चलता है तो हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। हमें हर चीज़ का लेखा जोखा देना पड़ेगा। अगर हम किसी चींटी को भी मारेंगे, हमें उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। हम आजकल तो ऐसा अनर्थ फैल चुका है कि दुनिया में जितने भी पशु पक्षी हैं उनको तो छोड़ो, हमारे देश की गौ माता को भी खाया जा रहा है, अपनी माँ को खाया जा रहा है। हमारे देश में इतने कत्ल खाने खुल चुके हैं कि पशुओं के साथ गौ माता को भी काटा जा रहा है। हमारा आप सबसे एक ही उद्देश्य है कि हम गौ हत्या को बंद करें, और जितना भी विश्व भर में नॉनवेज बन रहा है उसको बंद करें। हम जीव जंतुओं, पशु पक्षियों को प्रेम करें और उनको अपना माने। जय श्री राम, जय गौ माता।